भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी का आज 74वां जन्मदिवस है। इस मौके पर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा दृष्टिहीन बच्चों के बीच केक काटा गया और जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर इंदौर कार्यकारी कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और विधायक संजय शुक्ला समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन रहने वाली सोनिया गांधी का आज 74वां जन्मदिवस है। यूं तो सोनिया गांधी खुद जन्मदिन नहीं मना रही हैं, मगर प्रदेश के कांग्रेस नेता इसे अपने ढंग से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी सिलसिले में इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष विनय बाकलीवाल द्वारा मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ में दृष्टिहीन बच्चों को भोजन कराकर व उनके बीच फल फ्रूट वितरित कर उनके साथ जन्मदिवस मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने दृष्टिहीन बच्चों के साथ केक काटकर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को जन्मदिवस की बधाई दी। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने सोनिया गांधी के योगदान को उल्लेख करते हुए उनकी स्वस्थ सेहत की कामना की। वहीं विधायक संजय शुक्ला ने महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार बनने और हरियाणा में चुनाव में पार्टी के उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन को सोनिया गांधी की उपलब्धि करार देते हुए उनके नेतृत्व क्षमता की तारीफ की। मजबूती के साथ खड़ा किया, 10 साल हमारी सरकार रही केंद्र में, मध्य प्रदेश में आज हमारी सरकार है और माननीय सोनिया गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद भी वो सतत संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है, जिसका उदाहरण आप देख लें कि कहा जाए 71% भारतीय जनता पार्टी ने देश पे कब्जा कर रखा था, उसको लाकर 41 पर खड़ा कर दिया। तो मैं ऐसे हमारे नेता का जन्मदिन पर अपनी ओर से, शेख कांग्रेस कमेटी की ओर से, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी की ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। राजीव गांधी जी इस बार होने के बाद भी उन्हें उनके ऊपर परिवार ने जो कांग्रेस के लिए इतनी मेहनत कर रहा है लगातार संघर्ष मजबूत किया है। आज देखिए सोनिया गांधी की नेतृत्व में हमने महाराष्ट्र सरकार बना ली है, उसके अलावा हरियाणा के अंदर कुछ ही सीटों से हम पीछे रह गए जहाँ वो बोल रहे थे 72 पार, उसके बावजूद भी हम 31 पे आके वहाँ रुके। मतलब थोड़ी सी और मेहनत हो जाती सरकार बन जाती, ऐसी आदमी सोनिया गांधी जो लगातार मेहनत करती बीमार होने के बाद भी पूरे देश के अंदर कांग्रेस को जो मजबूती दे रहे हैं, उनका जन्मदिन हम आज यहाँ सब मिलकर मना रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शक्ति दे और साथ में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वो लगातार ऐसी मेहनत करते रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कांग्रेस अध्यक्षा की लंबी उम्र की कामना करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 5 साल के बाद कांग्रेस एक बार फिर सत्ता पर काबिज होगी। वहीं इंदौर शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने कहा कि हम कामना करते हैं कि आने वाले दिनों में सोनिया गांधी देश का नेतृत्व करें। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी का जन्मदिन है, 74वां जन्मदिन है, उसको हमने शांतिपूर्वक मतलब सादगी साथ में आदरणीय आज हमारे मध्य प्रदेश के 10-3 बच्चों के बीच में हमारे आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय विनय बाकलीवाल जी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय सी पी शेखर साहब के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी परिवार के लोगों ने आज इन बच्चों के बीच जन्मदिन मनाया, केक काटा, फल फ्रूट बांटे, उसके अलावा उन बच्चों को भोजन की व्यवस्था करिए, जिससे हम उनकी भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी लंबी आयु हो और प्रदेश का देश का नेतृत्व करते रहें। जिससे उनके नेतृत्व में हमने जो अभी महाराष्ट्र सरकार बनाई है, हरियाणा में अच्छी सीटें लाएँ, हम चाहते हैं कि 2 साल के अंदर उनका जो प्रदेश के अंदर जो अभी जो देश के अंदर माहौल बन रहा है उसमें कांग्रेस सरकार बनेगी और 5 साल बाद केंद्र में कांग्रेस सरकार बनेगी और उनके नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री बनेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं हमारी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, हम सब की नेता, जन जन की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी का 74वां जन्मदिवस, हमने यह मध्य प्रदेश दृष्टिहीन के प्रांगण में हमने आज यहाँ पर बनाया, बड़ी सादगी के साथ बनाया। हमने इन जो मध्य प्रदेश दृष्टिहीन के जो बच्चों के बीच में रहकर हमने फल फ्रूट वितरित किए, केक काटा और साथ में हम उनकी भोजन कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। मेरे साथ में भाई संजय शुक्ला जी, सर्वेश तिवारी जी, इन दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम सभी कांग्रेसजन, कि हमारी जो सोनिया गांधी जी जो हमारी नेता है वो इस देश की नेतृत्व करे और जो उन्होंने आज जब से अपने कांग्रेस का संगठन का पद संभाला है तब से कांग्रेस निरंतर आगे बढ़ती जा रही है और आशा करते हैं आने वाले समय में इस मध्य पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बने और देश में भी कांग्रेस की सरकार बने। सोनिया गांधी ने देश की सबसे पुरानी पार्टी की कमान सबसे लंबे समय तक अपने हाथों में रखी, जो कि एक
असाधारण उपलब्धि है। विशेषकर 2004 में एक हारी हुई बाजी जीतकर उन्होंने कांग्रेस को फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में पुनर्जीवित कर दिया, जिससे आज भी उनकी सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।